हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। आज हम सितंबर सेकंड वीक करंट अफेयर्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, निफ्ट, एनटीपीसी, गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर रेलवेज या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्टडी गाइड ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी हमारा डेली वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर सेकंड वीक करंट अफेयर्स 2017। पहला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर 2017 बीएसएफ हाफ मैराथन इन न्यू दिल्ली। किस यूनियन मिनिस्टर ने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया है बीएसएफ हाफ मैराथन के लिए जो न्यू दिल्ली में कंडक्ट होगा? तो ये है किरण रिजिजू। और ये जो किरण रिजिजू है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर होम, और इन्होंने बीएसएफ हाफ मैराथन ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। वो पोर्टल का नाम है www.marathon.bsf.government.in। और ये फंक्शन इसका शुरू ये बनाया गया न्यू दिल्ली में सितंबर 7, 2017 में इसको लॉन्च किया गया। और ये जो मैराथन है ये हेल्ड होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अक्टूबर 22 को। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं ये हैं किरण रिजिजू। आपको इसके साथ साथ इसका ये पोर्टल का नाम भी याद रखना है www.marathon.bsf.government.in। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल बॉन्ड्रम फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो एक ट्रेडिशनल बॉन्ड्रम फेस्टिवल होता है वो कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ है? वो स्टार्ट हुआ है गोवा में। देखिए जो ट्रेडिशनल बॉन्ड्रम फेस्टिवल है ये दीवार आइलैंड गोवा में है, उसमें स्टार्ट हुआ 9 सितंबर 2017 को। और इसमें जो वर्ड बॉन्ड्रम है इसका ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्लैग्स। और इट इज स्टेटेड दैट ड्यूरिंग द पोर्टुगीज रूल इन गोवा देयर वर फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन टू सेक्शन ऑफ द दीवार विलेज ओवर प्रॉपर्टी इशूज। दिस ऑफन लेड टू वॉयलेंस एंड फाइट्स इन द विलेज। तो ये जो बॉन्ड्रम फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ गोवा में। नेक्स्ट इज, इसरो विल लॉन्च अ फुल फ्लेज्ड नीचे अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट हाइसिस टू एनेबल डिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्पेस। वॉट डज हाइसिस स्टैंड फ्रॉम? तो ये जो इसरो है जो हमारी इंडिया की है इसरो, वो एक फुल फ्लेज एक सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं जिसको हाइसिस का नाम दिया है। तो ये हाइसिस की फुल फॉर्म क्या है? तो इसके फुल फॉर्म है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। और ये जो इसरो है ये सून लॉन्च करेगी ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट जिसको हाइसिस भी बोलते हैं। और इस ये बाय यूजिंग अ क्रिटिकल चिप इट हैज़ डेवलप्ड। और इसका जो पर्पस है इस हाइसिस सैटेलाइट का वो है कि वो 600 किलोमीटर से स्पेस से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका आइडेंटिफिकेशन ईजिली कर ले। तो ये हाइसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसरो कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करेगी, तो वो है हाइसिस। और हाइसिस की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो वो भी आपको याद रखनी है। तो वो है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI। तो कौन फर्स्ट रिसिपिएंट है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा BAI द्वारा? तो वो है प्रकाश पादुकोणे। और प्रकाश पादुकोणे जो है वो एक रिनाउंड इंडियन बैडमिंटन लेजेंड है, और उनको ये पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा बाय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर हिज रिच कंट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट। उन्होंने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है स्पोर्ट्स में, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा BAI द्वारा। और ये जो अवार्ड होगा उसमें जो कैश प्राइज है वो है ₹10 लाख। तो ये प्रेजेंट किया जाएगा पादुकोण को न्यू दिल्ली में, और बहुत जल्दी ये अवार्ड दिया जाएगा BAI द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर? तो न्यू प्रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर बने मलिमा याकूब। और ये जो मलिमा याकूब हैं ये फॉर्मर स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट थी, और अब इनको प्रेजिडेंट इलेक्ट कर दिया गया है सिंगापुर का। और ये पहली फीमेल प्रेजिडेंट है सिंगापुर की, आपको ये भी याद रखना है। ये आगे भी कभी भी पूछा जा सकता है कि पहली फीमेल प्रेजिडेंट कौन है सिंगापुर की, तो वो है मलिमा याकूब, और ये बनी न्यू प्रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट इज, द रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ लो कॉस्ट मेथड ऑफ ट्रीटिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस? तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसको ट्रीट करने के लिए किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने एक लो कॉस्ट मेथड डेवलप किया है? तो वो है IIT रुड़की। IIT रुड़की ने ये डेवलप किया है OA ट्रीट करने के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस को। और ये जो डिजीज़ है वो पेन कॉज करता है और स्टिफनेस कॉज करता है जॉइंट्स में, जिससे जो
बोन कार्टिलेज होता है उसका डिजनरेशन हो जाता है, और इसमें जो होगा वो एक पॉलीमर, एक नैनो मटेरियल जो है वो इंजेक्ट करेंगे जॉइंट पे और एक हीट थेरेपी देंगे जिससे जो स्टिफनेस है और जो पेन है वो क्योर होगा। तो ये डेवलप किया है IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट इज द इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट विल कम अप इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में आएगा, तो ये आएगा आंध्र प्रदेश में। इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट विल कम इन आंध्र प्रदेश, जो कि दो सिटी सेंटर्स को कनेक्ट करेगा, वो है विजयवाड़ा और अमरावती, और ये 35 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगा और ये 5 मिनट में 35 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगा। द आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। तो ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो है वो आएगा आंध्र प्रदेश में। द पंजाब नेशनल बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच टेलीकॉम कंपनी टू रोल आउट ओपन मोबाइल वॉलेट स्पीड पे। तो ये जो पंजाब नेशनल बैंक है PNB, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है एक टेलीकॉम कंपनी के साथ एक मोबाइल वॉलेट स्पीड पे के लिए। तो ये टेलीकॉम कंपनी है BSNL, तो BSNL के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये साइन किया है एक मोबाइल वॉलेट स्पीड पे जिसका नाम है स्पीड पे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक ने BSNL के साथ कौन से मोबाइल वॉलेट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो है स्पीड पे। ये दो तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, और ये 10 states इन द कंट्री में ये मोबाइल पे मोबाइल वॉलेट स्पीड पे ये लाया जाएगा PNB द्वारा। नेक्स्ट है द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज़ रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन डिक्शनरीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है जिसको OUP भी कहते हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन डिक्शनरी एक लाई है, लॉन्च करी है। तो वो कौन सी लैंग्वेज में आएगी, तो वो लैंग्वेज आएगी तमिल एंड गुजराती, इन दो लैंग्वेजेस में ये डिक्शनरी लेकर आएंगे। और ये जो OUP है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इन्होंने एक ऑनलाइन डिक्शनरी लॉन्च करी है तमिल और गुजराती लैंग्वेज में, और इसका इनिशिएटिव है कि वो बिल्ड करें डिक्शनरीज को एंड लेक्सियोग्राफिकल रिसोर्सेज फॉर अराउंड 100 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस एंड टू मेक देम अवेलेबल ऑनलाइन। तो ये डिक्शनरीज जो आएंगी, अभी तो फिलहाल ये तमिल और गुजराती लैंग्वेजेस में आई है, बट ये दूसरी लैंग्वेजेस में भी जल्दी OUP लेकर आएगा। नेक्स्ट है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI तो हैज लॉन्च विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फूड इंस्पेक्शन एंड सैंपलिंग। तो ये जो FSSAI है, इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फूड इंस्पेक्शन और सैंपलिंग के लिए। तो वो किस उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो वो है फॉस्कोरिस। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन्होंने फॉस्कोरिस लॉन्च किया है। ये एक वेब बेस्ड फॉस्कोरिस सिस्टम बनाया जाएगा इसमें, जो कि वेरीफाई करेगा, जो कि फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं उनको वेरीफाई करेगा। जो भी फूड बिजनेस चलाते हैं उनके जो भी हाइजीन है उसको देखेगा, चेक करेगा, और ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। ये एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि लाएगा ट्रांसपेरेंसी इन फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग। तो ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है जो FSSAI लेकर आया है, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है फॉस्कोरिस। नेक्स्ट इज विच स्टेट इज होस्टिंग द 2017 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्पोर्ट्स। तो ये कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको BSF भी बोलते हैं, उसका जो स्पोर्ट्स है वो होस्ट कर रहा है। तो ये स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर विल होस्ट द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्पोर्ट्स, और ये 4 दिन का एनुअल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्पोर्ट्स होगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में 12 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जिसमें करीब 1200 पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें जो स्पोर्ट्स होंगे वो होंगे रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और कबड्डी। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्पोर्ट्स हो रहा है, ये हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में 12 सितंबर 2017 से। 12th है हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको AIMPLB भी बोलते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो इनके प्रेजिडेंट है सैयद मोहम्मद रबे हसानी। और ये जो ऑल इंडिया म्यूजियम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इन्होंने ये भी न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने एक कमेटी बिठाई है जो कि एडवाइस करेगी, एडवाइस द मेथड एंड प्रोसेस फॉर अंडरटेकिंग लार्ज स्केल कम्युनिटी रिफॉर्म प्रोग्राम विद इन द इस्लामिक सरिया। और इनके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं सैयद मोहम्मद रबे असानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑनलाइन फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू रिजॉल्व फॉरेन ट्रेड इश्यूज. तो एक ऑनलाइन फैसिलिटी लॉन्च की गई है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा टू रिजॉल्व फॉरेन ट्रेड इश्यूज, फॉरेन ट्रेड के जितने भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए. तो वो है contact@DGFT. तो ये आपको याद रखना है contact@DGFT. तो ये यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करी गई है ऑनलाइन फैसिलिटी, और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जितने भी फॉरेन ट्रेड रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करेगी. और DGFT की फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. आपको याद रखना है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, और उनको कहा गया है कि वो सारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जितनी भी उसके रिलेटेड इश्यूज हैं वो बताए. और उन्होंने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो है contact@DGFT. DGFT की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, वो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. और ये रिजोल्यूशन देगा जो भी मैटर्स होंगे उनके ऊपर, ये जितने भी रिजॉल्व करेगा जो भी फॉरेन ट्रेड इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व करेगा. नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग इन न्यू दिल्ली. तो ये एक फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग, और ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है. तो कौन से यूनियन मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग? तो ये लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने. और ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ये हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न रीजन हैं, और इन्होंने एक फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है जिसको नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग बोलते हैं. और ये फेस्टिवल इनॉग्रेट हुआ है इंडिया गेट पे न्यू दिल्ली में September 9, 2017 में. और इसके इनिशिएटिव तीन इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं, वो है NEVF जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड, NETDC नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, और STINER साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. और ये दो दिन का फेस्टिवल है जो प्रमोट करेगा आर्ट कल्चर हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस एंड टूरिज्म, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो भी ये सब हैं आर्ट कल्चर हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस और टूरिज्म उनको प्रमोट करेगा. तो ये लॉन्च किया है ये फेस्टिवल जितेंद्र सिंह ने. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन चूजन फॉर द फर्स्ट एवर केसरी मीडिया अवार्ड. तो फर्स्ट एवर केसरी मीडिया अवार्ड के लिए किसको चूज़ किया गया है? तो वो है TJS George. तो TJS George को आपका नाम याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट एवर केसरी मीडिया अवार्ड है, तो इसका क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं. तो ये मिला है TJS George को, और ये वेटरन जर्नलिस्ट हैं TJS George, और इनको पहला केसरी मीडिया अवार्ड मिला है. और ये दिया गया है केसरी मेमोरियल जर्नलिस्ट ट्रस्ट के द्वारा. और ये जो अवार्ड है इसमें 50,000 का इनाम है, और ये अवार्ड जो है वो केरला त्रिवंतपुरम में दिया जाएगा, और ये August 13, 2017 को दिया गया था. तो ये अवार्ड है केसरी मीडिया अवार्ड जो कि दिया गया है TJS George को. 16th क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ टॉप द 2017 ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स GFCI. तो ये टॉप करी है लंदन ने, लंदन ने इस GFCI को लॉन्च टॉप किया है. और लंदन ने रिटेन करी है अपनी पोजीशन एज द वर्ल्ड टॉप फाइनेंशियल सेंटर इन द 2017 ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स. और आपको बस इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, यही याद रखना है. और ये याद रख सकते हैं आप कि न्यूयॉर्क जो है उसको सेकंड पोजीशन मिली है, फॉलोड बाय हांगकॉन्ग, सिंगापुर, टोक्यो, शंघाई एसेट्रा. तो आपको मेन इसमें यही याद रखना है कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, कौन सी सिटी ने टॉप किया है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, तो वो है लंदन. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट स्पेशल इन्वॉय फॉर द ओशियंस बाय द यूनाइटेड नेशन. तो पहला स्पेशल इन्वॉय फॉर द ओशियंस बाय द यूनाइटेड नेशन किसको अपॉइंट किया गया? तो वो अपॉइंट किया गया पीटर थॉम्सन को. और ये जो पीटर थॉम्सन है वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली हैं, और उनको पहला स्पेशल इन्वॉय फॉर द ओशियंस बाय द UN सिक्योरिटी जनरल एंटियो ग्यूटरेस ने अपॉइंट किया. और इनको जो थॉम्सन है वो played a leading role at the first ever UN conference on oceans in June 2017. तो इन्होंने सबसे अच्छा रोल प्ले किया था जो UN conference हुआ था, first ever UN conference on oceans जो June 2017 में हुआ था, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया. तब उनको अपॉइंट कर दिया गया स्पेशल envoy फॉर द oceans बाय द यूनाइटेड नेशन, और ये हैं पीटर थॉम्सन. नेक्स्ट इज नेशनल हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन. तो नेशनल हिंदी दिवस जो हर साल हमारे इंडिया में मनाया जाता है वो कब सेलिब्रेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए. ये होता है September 14 को, और
दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं इंडिया की, दो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी और इंग्लिश, और अंडर आर्टिकल 243 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज अडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये जो नेशनल हिंदी दिवस है ये सेलिब्रेट होता है सितंबर 14 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन इज स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प रोहिंग्या रिफ्यूज इन बांग्लादेश। तो कौन सा ऑपरेशन इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया जो भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं जो बांग्लादेश के हैं उनको हेल्प करने के लिए, तो वो है ऑपरेशन इंसानियत। इंसानियत के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और तो इस ऑपरेशन का नाम भी रख दिया गया ऑपरेशन इंसानियत, और ये इंडिया ने स्टार्ट किया और ये प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस टू बांग्लादेश इन रिस्पांस टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बीइंग फेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ द लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज इनटू द कंट्री फ्रॉम म्यांमार। तो जो बांग्लादेश में जो भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनको इतने सारे वहाँ पर आ चुके हैं, तो उसको हेल्प करने के लिए, बांग्लादेश को हेल्प करने के लिए ये ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया है। जो म्यांमार से जो भी रिफ्यूजीज आ रहे हैं बांग्लादेश में, तो उसके लिए ये ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया है। इससे जो भी रिलीफ मटीरियल जो भी होगा, जैसे राइस, पल्सेस, शुगर, सॉल्ट, कुकिंग ऑयल, बिस्किट्स, मॉस्किटो नेट्स, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा उन सब रोहिंग्या रिफ्यूजीज को। तो ये है ऑपरेशन इंसानियत जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज विच सिटी टू होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस समिट 2017। तो कौन सी सिटी होस्ट करेगी 5th एडिशन ऑफ कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस समिट 2017 का? तो वो सिटी है कोची जो है वो होस्ट करेगी, और ये जो समिट होगा ये होगा होटल क्राउन प्लाजा इन कोची केरला में सितंबर 22 को। और ये जो समिट होगा ये एक्सप्लोर करेगा, इसका जो मेन इनिशिएटिव है वो है टू एक्सप्लोर द इमेंस पोटेंशियल ऑफ कोस्टल शिपिंग एंड वाटरवेज एज वेल एज टू एफोर्ड टू बिल्ड अ शेयर्ड कमिटमेंट एंड डिचेपर द रोल डेट ईच स्टेक होल्डर विल हैव टू प्ले इन इंटीग्रेटिंग द कोस्टल एंड वाटर वेज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको ये याद रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि कौन सी सिटी होस्ट करेगी 5th एडिशन ऑफ कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस समिट 2017, तो वो है कोची। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ 2017 इंटरनेशनल लिटरेसी डे। देखो हर साल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है लिटरेसी इन द डिजिटल वर्ल्ड। इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया है। अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो डिजिटल वर्ल्ड है, आप लोग भी अभी जो पढ़ रहे हैं वो डिजिटल के द्वारा ही पढ़ रहे हैं, नेट के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए ये थीम रखी गई है लिटरेसी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। और ये जो डिजिटल लिटरेसी डे है ये हर साल सितंबर 8 को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ताकि जो इसका मेन एम होता है कि वो एम्फसाइज करें जो इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी है हर एक के लिए, पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। और इसकी जो 2017 की जो थीम होगी वो है लिटरेसी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। और ये 2-डे इवेंट होगा जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में जो पेरिस में है, और ये लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल किया जा रहा है। तो इसकी जो थीम है वो है लिटरेसी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। और जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है वो हर साल 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द पीटीआई। पीटीआई है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इनके जो न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन है वो है विवेक गोयनका, इनको न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन बनाया पीटीआई का। और ये सीएमडी ऑफ ग्रुप एक्सप्रेस ग्रुप है, एक्सप्रेस ग्रुप के सीएमडी हैं और इनको अब न्यू चेयरमैन बना दिया गया है पीटीआई का। ये सक्सीड कर रहे हैं रियाद मैथ्यू को जो कि एक सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं और मेंबर ऑफ मेनोरमा मैनेजमेंट है। और अब इनको बना दिया है जो विवेक गोयनका है, अब उनको बना दिया है न्यू चेयरमैन ऑफ पीटीआई। तो ये आपको याद रखना है, ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, आजकल अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज विच कंट्री टू होस्ट 2018 जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप JAWC। तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2018 का जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो ये कंट्री है इंडिया, हमारे इंडिया में ये होस्ट किया जाएगा। और जो जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है 2018 की वो इंडिया होस्ट करेगी, और जो की शेड्यूल हुई है फ्रॉम जुलाई 19 टू 22 न्यू दिल्ली। और जो रिसेंटली द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
हैज़ अनाउंस द होस्टिंग राइट्स टू इंडियन सिटी फॉर द टूर्नामेंट। तो ये 2018 में जुलाई 19 से 22 को ये शेड्यूल करी गई है न्यू दिल्ली में, जो इंडिया की राजधानी है वहाँ पर। तो इंडिया इस JAWC जूनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप को होस्ट करने वाला है 2018 में। नेक्स्ट इज Who has been appointed as new chief coach of the Indian senior men hockey team? तो जो ये new chief coach हैं Indian senior men hockey team के, वो appoint किए हैं Walthrus Marijin को। और जो Walthrus हैं इनको बनाया गया है न्यू चीफ कोच ऑफ द इंडियन सीनियर मैन हॉकी टीम। और बस आपको इसमें ये याद रखना है और कुछ नहीं। और करेंटली ये जो Walthrus हैं ये चीफ कोच ऑफ इंडियन सीनियर वुमेन हॉकी टीम के चीफ कोच हैं। तो अब इनको न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियन सीनियर मैन हॉकी टीम का बना दिया गया है। नेक्स्ट इज पराली वन आइलैंड विच हैज़ वेनिश्ड ड्यू टू कोस्टल इरोजन वॉज पार्ट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो हमारे इंडिया का एक आइलैंड है पराली वन आइलैंड, जो कि वेनिश हो गया है कोस्टल इरोजन की वजह से। तो वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का पार्ट है? तो वो है लक्षद्वीप का, जो इंडियन ओशन, अगर आप अपना मैप देखें तो ये अरेबियन सी में जो हमारे जो आइलैंड हैं वो है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है वो है आंदमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है इंडिया का पार्ट है, और यहाँ पर एक पराली वन आइलैंड है जो अब इरोड हो चुका है कोस्टल इरोजन की वजह से, वैनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ये लक्षद्वीप में है पराली वन आइलैंड, और बस आपको इसमें याद रखना है ये कोस्टल इरोजन के द्वारा पूरा पूरा ख़त्म वैनिश हो चुका है ये आइलैंड। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वर्किंग प्रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तो अभी एक अपॉइंटमेंट हुई है प्रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की। तो ये कौन है, किनको अपॉइंट किया गया है? ये है सदानंद गुप्ता। सदानंद गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। और ये प्रोफेसर सदानंद गुप्ता जो है ये फॉर्मर हेड ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट इन गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंड रिनाउंड हिंदी लिटरेचरर हैं। और इनको ये एक वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बना दिया गया है, अपॉइंट किया कर दिया है। तो ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। जो उत्तर प्रदेश है उसके जो CM हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और ये अपॉइंटमेंट हुई है, ये हैं सदानंद गुप्ता। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 2017 कंटेनर टर्मिनल ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड का क्वेश्चन है, ये 2017 का कंटेनर टर्मिनल ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, जिसको नहवा शेवा पोर्ट भी कहते हैं। और ये हमारी जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया की वहाँ लोकेटेड है, और इसको 2017 का कंटेनर टर्मिनल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एट द गेटवेज अवार्ड 2017 एट मुंबई फॉर इट्स प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज टू ईज कंजेशन, स्मूथ डिलीवरी ऑफ कंटेनर्स एंड रीवैम्पिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट ट्रेड एडमिस्ट एडवर्स कंडीशन एडोर टू इंडिया। तो ये जवाहरलाल नेहरू, जिसको नहवा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं, ये मुंबई में लोकेटेड है, इसको ये 2017 कंटेनर टर्मिनल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द 2017 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिफॉर्म्ड वुमेन इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन से जो यूनियन मिनिस्टर है वो इनॉग्रेट करेंगे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यूनिफॉर्म्ड वुमेन इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये है किरण रिजिजू, और ये जो किरण रिजिजू है ये 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इनॉग्रेट करेंगे और ऑन यूनिफॉर्म्ड वुमेन इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। किरण रिजिजू जो है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, और ये सितंबर 14 को ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करेंगे न्यू दिल्ली में। और द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर वुमेन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जेलर्स टू सुपरिटेंडेंट्स ऑफ प्रिजन्स। तो ये जो है ये कॉन्फ्रेंस होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में सितंबर 14 को, और ये जो इनॉग्रेशन इसका करेंगे वो है किरण रिजिजू, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं। नेक्स्ट इज दिस जॉइंट बिलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज शाहीन 4 है स्टार्टेड बिटवीन पाकिस्तान एंड विच कंट्री। देखिए हमने आपको एक प्रीवियस वीडियो में ये बताया है कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में। तो ये जो एक्सरसाइज है शाहीन 4, ये इंडिया और इंडिया की से किसी की नहीं है, ये पाकिस्तान और चाइना की है,
मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये जो बायलेटरल एक्सरसाइज है ये पाकिस्तान और चाइना की एक्सरसाइज है शाहीन 4, और ये स्टार्ट हुई एयरफोर्स ऑफ चाइना और पाकिस्तान के बीच में सितंबर 7 से, और ये चलेगी 27 सितंबर 2017 तक। और द शाहीन जॉइंट ट्रेनिंग वॉज लॉन्च बाय द चाइनीज एंड पाकिस्तानी एयरफोर्स इन मार्च 2011 एंड हैज सिंस गॉन थ्रू 5 मेजर इटरेशंस। तो ये जो शाहीन है ये जो चाइना और पाकिस्तान है उनकी एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है, और ये मार्च 2011 से ये चली आ रही है, और अब इसका जो फेज़ है वो फेज़ 4 है। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये है पाकिस्तान और चाइना की बीच की एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द नेशन वाइड हैकेथन ओपन गव डाटा हैक। तो ये एक नेशन वाइड हैकेथन है ओपन गवर्नमेंट डाटा हैक, ये कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने, और ये रविशंकर प्रसाद है ये हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उन्होंने ये नेशन वाइड हैकेथन ओपन गवर्नमेंट डेटा हैक लॉन्च किया है सितंबर 12, 2017 को। और ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल, कौन सा जो भी ये है ये कौन सा लॉन्च किया है इन्होंने, तो ये है ओपन गवर्नमेंट डेटा हैक, और ये लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द सेकेंड स्टेट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है एक सेकेंड स्टेट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो सेकेंड स्टेट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इन न्यू दिल्ली सितंबर 12, 2017 को। और ये इश्यूज होल्ड करेंगे इंक्लूडिंग इनकम्बेशन फैसिलिटीज़ एंड मेकिंग रेगुलेशन ईजियर फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो स्टार्टअप फैसिलिटी है, स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है, ये स्टार्ट करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हाई परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट कोच फॉर इंडियन सीनियर वुमेन हॉकी टीम SISWHT। तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? ये किया गया हरेंद्र सिंह को, और ये जो हरेंद्र सिंह है ये हॉकी कोच हैं, और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है, और इनको अपॉइंट किया गया है हाई परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट कोच फॉर इंडियन सीनियर वुमेन हॉकी टीम को जो है उस अपॉइंट किया गया है। और ये डिसीजन वाज रिसेंटली टेकन जॉइंटली बाय SAI एंड हॉकी इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज रीसेंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस। तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको ये अपॉइंटमेंट दी गई है एज अ हाई परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट कोच फॉर इंडियन सीनियर वुमेन हॉकी टीम। तो ये हैं हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट इज विच कंट्री टू होस्ट द अक्रॉस बैरियर्स इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन्स समिट। तो इसको IBIBWS भी बोलते हैं। तो ये कंट्री है नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो ये जो कंट्री है ये जो अक्रॉस बैरियर्स इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन समिट है ये ऑर्गेनाइज करेगी, ये ऑर्गेनाइज होगा काठमांडू नेपाल में सितंबर 11 से, और ये ऑर्गेनाइज करेगी साउथ एशियन वुमेन डेवलपमेंट फोरम, और ये 2 दिन का समिट है जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लाएगी फ्रॉम द सार्क एशियन और चाइना से और दूसरी कंट्रीज से। तो ये सार्क की कंट्रीज से, एशियन की कंट्रीज से, और चाइना और दूसरी कंट्रीज से ये वुमेन इंटरव्यूज जो हैं वो लोग इस समिट में आएंगे, और ये होगी काठमांडू नेपाल में सितंबर 11 को, और ये करवाई जा रही है साउथ एशियन वुमेन डेवलपमेंट फोरम के द्वारा। नेक्स्ट इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये हेडक्वार्टर कहाँ है ICAR का? तो ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में। और ये जो ICAR है ये लेगा मेजर रिसर्च वर्क्स ऑन एग्रीकल्चर दिस ईयर इन 2017 विद द वर्ल्ड बैंक फंड ऑफ ₹1100 करोड़। तो ये वर्ल्ड बैंक से जो ICAR है वो 1100 करोड़ का जो है वो फंड लेगा, और इट इज़ अनाउंस्ड बाय द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल एपेक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च बॉडी नरेंद्र सिंह राठौर इन द कॉन्वोकेशन फंक्शन एट द तमिलनाडु वर्जनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। तो ये जो हेडक्वार्टर्स है ICAR का वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ बीन नेम्ड द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2018 टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड
यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो ये एक रैंकिंग है जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2018 की। तो कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी है जिसको टॉप यूनिवर्सिटी रैंक किया गया है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बैंकिंग रैंकिंग्स द्वारा? तो वह है IISc बैंगलोर। तो जो IISc बेंगलोर है उसको ये मिला है, रैंक मिला है टॉप यूनिवर्सिटी का इंडिया में। और ये प्रीवियस द 2017 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज बाय टाइम्स हायर एजुकेशन, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? तो ये है टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको द भी बोलते हैं। और इन्होंने ये रैंक, इंडिया की जो रैंकिंग, इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है उसको टॉप रैंक किया है, वो है IISc बैंगलोर। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस प्रोफेसर NR माधवा मेनन बेस्ट लॉ टीचर अवार्ड। तो ये एक अवार्ड दिया जाता है प्रोफेसर NR माधवा मेनन बेस्ट लॉ टीचर अवार्ड। तो ये किसको मिला है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड? तो ये मिला है तहीर महमूद को। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तहीर महमूद, डॉक्टर तहीर महमूद जो हैं वो वेल नोन जूरिस्ट हैं, उनको एक प्रेस्टिजियस प्रोफेसर NR माधवा मेनन बेस्ट लॉ टीचर अवार्ड 2017 मिला है। और उन्होंने उनको ये अवार्ड उनकी डिस्टिंग्विश सर्विस के द्वारा जो टू लीगल एजुकेशन एंड लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग द 19th टीचर्स डे अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय द सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स एंड मेनन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एडवोकेसी ट्रेनिंग इन न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर तहीर महमूद हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है 2017 का। नेक्स्ट इज हु हैज वॉन द 2017 वुमेन सिंगल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो ये 2017 का वुमेन सिंगल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है वुमेन का, वुमेन सिंगल्स का, वो है स्लोन स्टेफन्स ने। और ये आपको बस इसमें यही याद रखना है कि स्टोन स्टेफन्स ने ये अवार्ड जीता है 2017 का। अब ये है हु हैज़ वॉन द 2017 मेन सिंगल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो अब इसमें मेन सिंगल्स US ओपन टेनिस टूर्नामेंट पूछा गया है, तो वो है राइफल नेडल ने जीता है ये अवार्ड। इन्होंने टाइटल जीता है 2017 मेन सिंगल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का। और इसमें भी आपको ये दोनों ही चीज़ें याद करनी है, मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स के दोनों जो विजेता हैं उन दोनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी बार पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। तो आपको ये याद रखना है कि मेन सिंगल जीता है राइफल नेडल ने। वॉट इज़ द थीम ऑफ द 2017 वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसको WSPD भी बोलते हैं? तो इसकी थीम क्या है 2017 की? इसकी थीम है टेक अ मिनट चेंज अ लाइफ। तो इसकी बहुत अच्छी थीम दी गई है इस साल, तो वो है टेक अ मिनट चेंज अ लाइफ। और जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है वो हर साल सितंबर 10 को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन, सुसाइड को रोकने के लिए। ये वर्ल्ड जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ये हर साल मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही वो इस साल रही टेक अ मिनट चेंज अ लाइफ, जो कि हाईलाइट करती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग अप, टेकिंग द टाइम एंड लिसनिंग। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो कि जो सुसाइड प्रिवेंशन है उसके लिए किया जाता है, और ये हर साल मनाया जाता है सितंबर 10 को। आपको इसमें से इसकी थीम याद रखनी है, क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस इसके बहुत हैं, तो ये याद रखनी है, ये है टेक अ मिनट चेंज अ लाइफ। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। तो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के प्रेजिडेंट किसको अपॉइंट किया गया? तो वो है सुष्मिता देव को। सुष्मिता देव को ये अपॉइंट किया गया, अपॉइंटमेंट मिली है एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, और वो सक्सीड कर रही है शोभा आहूजा को। तो ये भी आपको याद रखना है कि वो किसको सक्सीड कर रही हैं, वो कर रही हैं जो भी इनसे पहले थी शोभा आहूजा को। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि किसको अपॉइंटमेंट मिली, ये है सुष्मिता देव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी बाय एसोचैम। तो ये एसोचैम द्वारा जो कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, तो ये है कर्नाटका। कर्नाटक जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और एमर्जेंस है उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो स्टेट है जो रैंक कर रहा है, टॉप कर रहा है, वो है कर्नाटका। तो ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है एयरटेल लॉन्च ऑफिस इन अ बॉक्स कनेक्टिविटी सॉल्यूशन फॉर विच स्टेट स्टार्टअप। तो एयरटेल ने एक लॉन्च किया है ऑफिस इन अ बॉक्स कनेक्टिविटी, तो ये किस स्टेट के लिए ये स्टार्टअप लॉन्च हुआ है? तो ये है कर्नाटका।
तो एयरटेल हैज़ रिसेंटली लॉन्च ऑफिस इन अ बॉक्स फॉर स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड अंडर द कर्नाटका गवर्नमेंट स्टार्टअप सेल इनिशिएटिव और ये ऑफिस इन अ बॉक्स सूट विल बी अवेलेबल टू द ओवर 100 स्टार्टअप रजिस्टर्ड विद द स्टार्टअप सेल एंड विल ऐड टू देयर बिजनेस एफिशिएंसीज. तो ये बिजनेस के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है. तो ये एयरटेल ने लॉन्च किया है. इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने ऑफिस इन अ बॉक्स लॉन्च किया है, तो वो है एयरटेल. इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एयरटेल ने कर्नाटका के लिए एक कनेक्टिविटी सॉल्यूशन लॉन्च किया है, तो वो क्या है वो सॉल्यूशन, तो वो है ऑफिस इन अ बॉक्स. तो आपको ये तीन तरीके से ये क्वेश्चन याद रखना है, एयरटेल, ऑफिस इन अ बॉक्स और कर्नाटका. इसके तीनों ही किसी तरह से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद मदर डेयरी टू सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग प्लांट. तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मदर डेयरी के साथ टाइप किया है, तो वो है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र ने मदर डेयरी के साथ टाई अप किया है और मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप किया है. तो ये आपको याद रखना है ये क्वेश्चन कि मदर डेयरी के साथ महाराष्ट्र ने टाई अप किया है टू सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट होस्टेड द 12th एडिशन ऑफ द इंडियन जापान एनुअल समिट 2017. तो कौन सा स्टेट होस्ट करेगा 12th एडिशन ऑफ द इंडियन जापान एनुअल समिट 2017 का, तो वो है गुजरात, इंडियन स्टेट गुजरात. और ये 12th एडिशन है इंडियन जापान एनुअल समिट 2017 का, जो कि गांधीनगर गुजरात में सितंबर 14 को हेल्ड होगा. और दिस इज़ अ 4th एनुअल समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे. तो आपको ये भी याद रखना है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है शिंजो अबे. और ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं इंडिया और जापान, इनका 12th एडिशन जो है वो हेल्ड होगा गांधीनगर गुजरात में सितंबर 14, 2017 को. इन इट इंडिया एंड जापान हैव साइंड 15 एग्रीमेंट्स. तो आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया और जापान ने 15 एग्रीमेंट इसमें साइन किए हैं फॉर एनहांसिंग बायलेटरल कॉपरेशन इन सेवरल की एरियाज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सिविल एविएशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो इन सब एरियाज में इंडिया और जापान ने ये एग्रीमेंट साइन किए हैं. और ये जो एनुअल समिट हुई इंडिया और जापान की 2017 की, ये 12th एडिशन समिट थी और ये हुई गुजरात में, गांधीनगर में गुजरात में. नेक्स्ट इज विच सिटी टू होस्ट द 2028 समर ओलंपिक्स. तो कौन सी सिटी होस्ट करेगी 2028 का समर ओलंपिक्स. अभी जो इससे लास्ट 2016 का समर ओलंपिक्स हुआ था वो हुआ था रियो ब्राज़ील में, और अब जो 2028 का होगा वो होगा लॉस एंजल्स में, और जो 2024 का होगा वो होगा पेरिस में. तो थॉमस बैच जो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आपको ये भी याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कौन है, तो वो है थॉमस बैच. उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 2024 का जो समर ओलंपिक होगा वो होगा पेरिस में, और जो 2028 का समर ओलंपिक्स होगा वो होगा लॉस एंजल्स में. आपको ये दोनों पता होना चाहिए क्योंकि ये श्योर श्योर क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स में आने के लिए. और बोथ सिटीज़ वांटेड टू होस्ट द 2024 इवेंट, बट लॉस एंजल्स एग्रीड टू वेट एन एक्स्ट्रा 4 ईयर्स आफ्टर द आईओसी मेड गारंटीज़ ऑन फंडिंग. तो दोनों सिटीज़ चाहती थी कि 2024 में दोनों होस्ट करें, बट लॉस एंजल्स ने मान लिया, उन्होंने 4 साल बाद का और वेट करने का आइडिया मान लिया, और अब वो 2028 में होस्ट करेंगी समर ओलंपिक्स, और ये होगा लॉस एंजल्स में. नेक्स्ट इज विच कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री टू मॉनिटर टेक इशूज़ ऑफ GST. तो कौन सी कमिटी है बनाई गई है बाई द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि टेक इशूज़ ऑफ GST को मैनेज करेगी, तो वो कमेटी है सुशील मोदी कमेटी. आपको याद रखना है GST के जो भी टेक इशूज़ होंगे उसको मॉनिटर करने के लिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बिठाई है, वो है सुशील मोदी कमेटी. और ये जो सुशील मोदी कमेटी है इनको हेड करेंगे बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी. ये जो सुशील कुमार मोदी हैं ये बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और ये रिजॉल्व करेंगे जो भी IIT चैलेंजेस होंगे जो कि GST में आएंगे, उनको ये इनको जो भी इश्यूज़ होंगे उनको मॉनिटर करेंगे. नेक्स्ट है विच सिटी होस्टेड द इंडो श्रीलंका हिंदी कॉन्फ्रेंस. तो इंडो श्रीलंका हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये कौन सी सिटी ने होस्ट करी, तो ये है कोलंबो. कोलंबो श्रीलंका में है, और जो इंडो श्रीलंका हिंदी कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुई केलानिया यूनिवर्सिटी नियर कोलंबो, और इसकी जो थीम थी वो थी हिंदी ई लर्निंग आइडेंटिटी एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑन द ईव ऑफ हिंदी दिवस सेलिब्रेशन ऑन सेप्टेम्बर 13, 2017.
तो ये जो थीम थी इसकी थी हिंदी ई लर्निंग आइडेंटिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। तो ये हुई कोलंबो में। नेक्स्ट इज़ विच कंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एट द कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल लैंडस्केप्स एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स थ्योरी टू प्रैक्टिस। तो ये जो कैंपेन था ये किस यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गया ये कॉन्फ्रेंस, तो ये कौन सा कैंपेन था, ये है वुड इज़ गुड। याद रखिए वुड इज़ गुड इस कैंपेन का नाम है और ये लॉन्च किया यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने और ये लॉन्च किया गया कॉन्फ्रेंस में जो कि थी सस्टेनेबल लैंडस्केप एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम थ्योरी टू प्रैक्टिस। तो ये कैंपेन है वुड इज़ गुड और ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने लॉन्च किया वुड इज़ गुड और ये कैंपेन सस्टेनेबल लैंडस्केप एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम थ्योरी टू प्रैक्टिस में लॉन्च हुआ जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था September 12, 2017 में। और वुड एक क्लाइमेट फ्रेंडली मटीरियल है और एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसका जीरो कार्बन फुटप्रिंट से होता है। तो ये वुड इज़ गुड आपको याद रखना है, ये कैंपेन का नाम था जो कि लॉन्च किया यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट टू होस्ट द 2017 VWF वुड सीनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो ये कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा 2017 VWF वर्ल्ड सीनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप, तो ये है केरला। द BWF वर्ल्ड सीनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप ये स्टार्ट हुआ राजीव गांधी इंदौर स्टेडियम कोची में केरला में September 11 और ये कंटिन्यू होगा September 17 तक। और ये फर्स्ट टाइम है जो इंडिया होस्ट करेगा इस चैम्पियनशिप को और ये प्रेसिडेंट हैं इसके BAI हिमांता विश्व शर्मा और इन्होंने फॉर्मली इनॉग्रेट किया ये वीक लॉन्ग चैम्पियनशिप। तो ये स्टेट है केरला। नेक्स्ट इज विच कंट्री टीम हैज़ वॉन द 2017 U16 साउथ एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप। तो कौन सी टीम ने ये जीता 2017 U16 साउथ एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, तो ये है इंडिया। इंडिया ने 2017 बास्केटबॉल U16 साउथ एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप जीता और ये हुआ था काठमांडू नेपाल में September 9, 2017 को। तो ये कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू इंटरिम चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जिसको GSTN भी बोलते हैं। तो ये जो है ये अपॉइंटमेंट हुई एज एन न्यू इंटरिम चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, तो ये है अजय भूषण पांडे जो है वो CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो UIDAI है और उनको अपॉइंट किया गया एज ए इंटरिम चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क और उन्होंने सक्सीड किया नवीन कुमार जिन्होंने अपना जो टर्म है वो August 29 को कंप्लीट किया। तो GSTN क्या है, GSTN एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है जो कि ओन बाय द सेंटर स्टेट एंड नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन फॉर न्यू GST प्रोग्राम। तभी हमने आपको बताया था कि एक GST के लिए एक अपॉइंटमेंट भी हुई थी जो टेक जो भी GST के टेक इश्यूज होंगे उसको हेल्ड करेगी। तो अभी ये इनके एक इंटरिम चेयरमैन को भी अपॉइंट किया गया जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के चेयरमैन को, वो हैं अजय भूषण पांडे। तो आपको ये श्योर श्योर याद रखना है क्योंकि GST इस साल एप्लीकेबल हुआ था तो उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत हो जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट इज कुंजुम ताबा हु हैज क्लिंच्ड गोल्ड एट द 2017 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इज एसोसिएटेड विद विच वेट कैटेगरी। तो एक कुंजुम ताबा हैं जो एक रेसलर वेट लिफ्टिंग चैम्पियन है और उन्होंने एक गोल्ड जीता 2017 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। वो कौन सी वेट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो वो है 94 kg। कुंजुम ताबा जो है उन्होंने गोल्ड जीता 94 kg में, उन्होंने 317 kg का जो लिफ्ट था वो उठाया और उन्होंने ये गोल्ड जीता ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको याद रखना है कुंजुम ताबा ये एक वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने ये वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जीती जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड हायर नंबर ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर GST एट 77%। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने सबसे हायर नंबर ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा न्यू रजिस्ट्रेशन GST के अंडर जीते और वो लगभग 77% है, तो वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा न्यू रजिस्ट्रेशन हुए GST में। तो ये भी आपका GST पे क्वेश्चन है, ये इसके भी आने के चांसेस बहुत बहुत हैं।
वेस्ट बंगाल ने टॉप किया सारे स्टेट्स में से विथ न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजाइम, और इवन स्टेट सच एज गुजरात एंड महाराष्ट्र आर लैगिंग बिहाइंड द ईस्टर्न स्टेट इन GST रजिस्ट्रेशन। तो इन्होंने इसने गुजरात और महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया और टॉप किया 77% के साथ विथ न्यू नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन GST। तो ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज हिमालय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हिमालय दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया गया 9 सितंबर को, और जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के हरीश रावत, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया 9 सितंबर एज हिमालय दिवस, और ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे स्टेट में, और ये एक मैसेज स्प्रेड करेगा कि फॉर कंजर्वेशन ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम। तो हिमालय के इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये होगा 9 सितंबर को हर साल, और ये जो है ये डिक्लेयर किया गया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया चीफ मिनिस्टर हरीश रावत द्वारा। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद गूगल टू इंक्रीज इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने MOU एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गूगल के साथ ताकि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर सके? तो वो स्टेट है असम। असम ने गूगल के साथ एक MOU साइन किया ताकि इंटरनेट की स्पीड बढ़ सके, बूस्ट हो सके। और जो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वुड वर्क टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शंस टू 26,000 विलेजेस एंड 1500 टी गार्डन एरियाज इन असम अंडर द MOU एंड दस इंक्रीज डिजिटल लिटरेसी। तो इससे क्या होगा कि जो भी विलेजेस हैं उनको भी इंटरनेट मिलेगा, और जो टी गार्डन हैं उनको भी इंटरनेट मिलेगा, और वहाँ पर स्टेट में जो है डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए उन्होंने गूगल के साथ MOU साइन किया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है असम। नेक्स्ट इज विच कंपनी इज गोइंग टू रिसीव महारत्न स्टेटस। तो एक कंपनी है जिसको महारत्न स्टेटस मिलने वाला है, तो वो कंट्री है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये एक स्टेट ओन्ड एनर्जी फर्म भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, और ये इसको एक महारत्न स्टेटस मिलने वाला है एट बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, और ये कंपनी है BPCL। तो आपको ये याद रखना है कि महारत्न स्टेटस जो मिलेगा इस साल वो है BPCL को, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च बुक हिट रिफ्रेश। तो अभी एक बुक लॉन्च हुई हाल ही में जिसका नाम है हिट रिफ्रेश, तो उस बुक का ऑथर कौन है? तो वो है सत्या नडेला। सत्या नडेला के द्वारा ये बुक लिखी गई है, वो है हिट रिफ्रेश। और सत्या नडेला जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। उन्होंने एक साइंड अ डील विथ हार्पर बिजनेस टू पब्लिश हिज फर्स्ट बुक दैट नडेला डिस्क्राइब एज नॉट योर एवरेज बिजनेस बुक। तो उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जो है हिट रिफ्रेश, और ये सत्या नडेला जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, तब को याद रखना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट वाटर ATM इज सेट अप इन। तो पहला भारत का जो वाटर ATM है वो कहाँ पर सेटअप हुआ? वो हुआ हैदराबाद में, तेलंगाना में, और ये इनॉग्रेट किया गया बाय तेलंगाना स्टेट होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा। और टोटल ऑफ 200 ATMs विल बी सेट अप टू रीच अ टारगेटेड 150,000 पीपल इन द फर्स्ट फेज। 50 वाटर ATMs विल बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय 2018। तो इसका जो टारगेट है वो लगभग 150,000 पीपल के द्वारा इसको पहुँचाने तक का है, और एक 200 ATM सेटअप करने का इनका टारगेट है। और ये पहला जो ATM है, फर्स्ट वाटर ATM, ये सेटअप किया गया हैदराबाद में जो कि तेलंगाना स्टेट में है। नेक्स्ट इज फॉर्मर इंडियन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर लॉन्च विच मिशन टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन एम ईस्ट वर्ल्ड ऑफ मुंबई। तो ये जो हमारे पहले इंडियन क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ लिविंग इन एम ईस्ट वर्ल्ड ऑफ मुंबई। तो ये कौन सा मिशन है? ये मिशन है मिशन 24, जो सचिन तेंदुलकर कर हैं उन्होंने मिशन 24 लॉन्च किया है। और ये इज़ नोन टू हैव वन ऑफ द हाइएस्ट स्लम पॉपुलेशन इन द सिटी। तो ये एम ईस्ट वर्ल्ड ऑफ मुंबई है, इसके पास सबसे हाइएस्ट स्लम पॉपुलेशन है सिटी में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये NGO
अपना लिया और मुंबई फर्स्ट प्लान्स टू वर्क अलॉन्ग विद द BMC एज द प्रिंसिपल स्टेक होल्डर ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ लिविंग इन एम ईस्ट वर्ड ऑफ मुंबई। तो ये प्रोजेक्ट इसलिए है ताकि जो एम ईस्ट वर्ड ऑफ मुंबई जो वहाँ रहते हैं, पीपल रहते हैं, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये मिशन 24 लॉन्च किया गया है बाय फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो आपको ये मिशन याद करना है और ये भी याद करना है कि किसने लॉन्च किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हु लेट द फाउंडेशन स्टोर्ड बाय फॉर रांची स्मार्ट सिटी कमिंग अपॉन हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लैंड। तो किसने फाउंडेशन स्टोन मतलब रखा है फॉर रांची स्मार्ट सिटी कमिंग अपॉन द हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लैंड। तो ये है वेंकैया नायडू अभी हाल ही में हमारे वाइस प्रेजिडेंट बने, तो आपको ये भी याद रखना है। ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन बन चुका है कि हु इज़ द न्यू वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो है वेंकैया नायडू। और जो अकॉर्डिंग टू द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर CP सिंह, दिस वुड बी द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। तो ये पहली जो इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनेगी, तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट इज पेटीएम पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप करी, तो वो है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। पेटीएम पेमेंट बैंक जिसको PPB बोलते हैं उसके साथ पार्टनरशिप करी, और ये करी टू लॉन्च अ रुपे पावर्ड डिजिटल डेबिट कार्ड। तो रुपे पावर्ड डिजिटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप करी। नेक्स्ट इज पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर PAU हैज़ लॉन्च इस कोलेब्रेशन विथ। तो पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर ने PAU जो है उन्होंने अपने कोलेब्रेशन किसके साथ अनाउंस किया, तो वो है IRCTC। तो ये कोलेब्रेशन किया गया पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर PAU का IRCTC के साथ कोलेब्रेशन हुआ, और ये किया गया टू प्रोवाइड यूजर्स अ सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन टू पे फॉर रेल टिकट्स बुकड विया द IRCTC वेबसाइट। तो ये ताकि जो यूज़र्स हैं वो सेफली जो रेल टिकट्स बुक करें, तो उसके लिए PAU ने कोलेब्रेशन किया IRCTC के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इंट्रोड्यूस 100 रुपी कॉइन टू मार्क द बर्थ सेंचुरी ऑफ सेनेटरी ऑफ। तो ये हैं डॉक्टर MG रामाचंद्रन, जिनको MGR भी बोलते हैं, और एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इंट्रोड्यूस 100 रुपी कॉइन टू मार्क द बर्थ सेंचुरी ऑफ AIADMK फाउंडर लेट MG रामाचंद्र। तो आपको याद रखना है ये इनके बर्थ सेनेटरी पे ये 100 रुपी कॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया MGR रामचंद्र। इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट वेरोलॉजी लेबोरेटरी एट डॉक्टर अंजलि चटर्जी रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी विल सेटअप इन। तो इंडिया का पहला जो आर्ट वेरोलॉजी लेबोरेटरी है जो कि है डॉक्टर अंजलि चटर्जी रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी, वो कहाँ सेटअप होगा, वो सेटअप होगा कोलकाता में। नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट द डैश रैंक ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो इंडिया को कौन सी रैंक पे रखा गया जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो वो है 103। इंडिया 103 रैंक पे प्लेस किया गया, और ये लोएस्ट अमंग ब्रिक्स इकोनॉमिक्स की है, मतलब जितनी भी ब्रिक्स इकोनॉमिक्स है उसमें सबसे लोएस्ट रैंक है, और ये रैंक जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दी जाती है, और इसमें जो टॉप किया गया है वो है नॉर्वे द्वारा टॉप किया गया। तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, और ये जो है इंडिया इसमें 103 रैंक पे है जो कि लोएस्ट रैंक है ब्रिक्स इकोनॉमिक्स में। और ब्रिक्स की कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्रिक्स की है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये है ब्रिक्स की कंट्रीज, और इसमें इंडिया की सबसे लोएस्ट रैंक है, और इसको जो इस रैंक को जो टॉप किया है वो है नॉर्वे के द्वारा।
तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इस हफ्ते के करंट अफेयर्स थे और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसमें कई क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जीएसटी का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत बहुत हो जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी दे दीजिए, हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ मेल कर देंगे। हमारा फेसबुक पेज भी है जिससे हम डेली अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, वो है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। हमारी ईमेल आईडी है tutorialstudy@gmail.com। आप इस पर भी डायरेक्टली कोई भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। माई यूट्यूब चैनल इज स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स और ये वीडियो यूजफुल है SSC, CGL, CBO, बैंकिंग, NTPC, रेलवेज या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड शेयर दिस so that we can help you in every possible way. So thank you everyone and all the best for your coming exams.